इस करिए सर ऐसी इले करनी है कुछ करना भी फिर मां की गाल करनी मां की गाल करनी एक अपनी मां होइए मां की गाल कड्डा अच्छा ही गल है बिल्कुल नहीं गाल तो मुझे कोई नहीं बिना रीजन से मारना तो पुलिस का है कोर्ट के पता लगी ना सर बिना रीजन से कोर्ट के पता लगी है बच्चा इंटरनेशनल लेवल का टीम है एक साइड गवर्नमेंट आ रही है तो ये बराबर बहुत अच्छा खेल रहा है यार बड़ा मैच भी अच्छा और सर तू ऐसा कमाल ही मार रहा है सारे भैन भरा सारे उपर बैठे सारे लिंग बैठे डीएसपी को बैठा
अगे बड़ी एसपी है पैसे नहीं निकले कोई गल नहीं सोचा त्री बार प्यार नहरी उत्तर बैठे हिसाब को बैठे क्या हुआ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर हुआ कुछ नहीं मैं एक्चुअली अपने दोस्त के पास जा रहा था तो सर अगर से डीएसपी सर आए मेरे को बुलाया तो सर मैं गया तो मैंने सर रिस्पेक्ट वगैरह की सब कुछ किया एक्चुअली सर मैंने देखो ये हाँ बाजू शर्ट डाली है तो मेरे को बोलते हैं कि ये तू क्या करता है मैंने बोला सर कुछ नहीं मेरा नेचुरली है बचपन से ही है तो बोलते हैं तू कि चिट्टा वगैरह सिरिंज वगैरह करता है यूज़ वगैरह करता है मैंने बोला नहीं सर मेरा मेडिकल वगैरह कुछ भी कराओ तो जो आप प्रोसीजर आप देंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा तो सर मेरे को धक्के देने लगे और मेरे को थप्पड़ मारा गाली दी गलत लैंग्वेज यूज़ की तो उसके बाद आपने क्या किया सर मैंने कुछ नहीं किया मैं सीधा इधर आया अपने साहब को फ़ोन किया तो मैं इधर आ गया सीधा अभी क्या चाहते हैं क्यों रोका है यहाँ पे क्या चाहते हैं आप सर हम यही चाहते हैं कि एसएसपी साहब जहाँ आए और डीएसपी साहब जहाँ आए तो बात करें थप्पड़ किस बेस पे मारा सर एक तरफ ठीक है ना सर नशा जो है पुलिस कहती है कि नशा बड़ा ज्यादा है हाँ उसको रोकना भी उनका काम है हाँ तो अगर पूछताछ नहीं करेंगे तो कैसे रोकेगा तो सर पूछताछ इसलिए होती है कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ वगैरह एविडेंस वगैरह हो मेरे पास कुछ है मेरे तलाशी नहीं मेरे पास कुछ है या मेरे पे कोई टैग लगाया कि मैं चिट्टा पीता हूँ मैं कुछ करता हूँ तो बात करें मुझसे ठीक है मेरे घर वालों से बात करें हमारे गांव से सरपंच से बात करें तो अगर आपको भी लगता है कि मैंने मेरा मेडिकल भी करवाओ आप कि मैंने कोई ड्रिंक वगैरह कुछ भी की है ठीक है ना थैंक यू तो ये आपके इलाके का जो आपके गांव का ही लड़का है इसके साथ इसने बताया क्या देखते हैं इस मामले में और पुलिस की जो पुलिस ने काम किया ये आपको लगता है कि एक जिम्मेदार अफसर है हमारे इलाके के तो क्या कहेंगे आप सर मेरा तो एक ही कहना है एक मिनट मेरा तो एक ही कहना है कि पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी निभा रही है और उन्होंने ये भी जवाब अभी आज आपने बोला कि किसी माथे पे नहीं लगा है लेकिन ये भी तो बात नहीं है कि अगर किसी शरीफ लड़के को शरेआम पिटाई भी शुरू कर दो चाहे तो वो करता हो ना जो करते हैं हम सबूत देते हैं चीज़ का जो करते हैं उनको जो हाथ नहीं लगाते वो इनसे भाग के चले जाते हैं ये नौजवान है जो रात को मवेशियों के पीछे भी दौड़ते हैं सागरा साहब सामने खड़े हैं ये नौजवान है जो इनके साथ दौड़ते हैं अपना बिस्तरा जोड़ के इनके साथ जाते हैं और इन लोगों को इन बच्चों को ये डोमिनेशन हो रही है ये मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि ये डोमिनेशन हो रही है ये एक अड्डा है सांझी मोड़ एक ऐसा अड्डा है जब कोई भी पुलिस अफसर ये बता दे अपने धर्मान से ये बता दे कि आज तक कोई सांझी मोड़ की शिकायत है तो बताओ कहीं की गुंडागर्दी है तो बताओ जब भी कोई बात होती है चाहे वो किसी एजेंसी की भी हो ये लोग ये लोग बैठे हैं ये सारे साथ देते हैं आज भी हम इनके साथ हैं पुलिस के साथ लेकिन ये जो ये गलत काम किया है इसके लिए तो उनको एनालाइज करना ही पड़ेगा बस क्या चाहते हैं अरे क्या चाहेंगे जी अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा आपके गली मोहल्ले में हुआ होगा तो क्या चाहेंगे आप क्या चाहेंगे आप बता दो अभी तो लोकल हैं क्या चाहेंगे हम हर बंदे क्या चाहेंगे हम इसको मारने से ये इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का इसकी शादी भी करनी है हमारे समाज में ये भी होता है यार उस उधर पकड़ा गया था कहाँ पकड़ा गया था सांझी मोड़ में उसको किट्टा खा के पीता है या बेचता है या क्या करता है सर ये समाज लगता है कि पुलिस चिट्टे के आड़ में बच्चों पर दहशत मार रही है हम कभी नहीं कहेंगे ये कहने वाली बात ही नहीं है मैं नहीं कहूँगा मैं इसी के बारे में कहूँगा वो 100% सही करते हैं लेकिन ये उन्होंने गलत किया है और गलत को गलत कहेंगे चाहे कुछ भी हो इसके लिए आप क्या डिमांड है आपकी हम ये चाहते हैं कि एसएसपी साहब आए थोड़ा उनको भी लाइज उनके सीनियर तो एसएसपी साहब है ना आए उनको वो देख लें कि पुलिस के मेरे नीचे पुलिस क्या कर रही है ये जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं ये दीवार बन के बैठे हैं आप तो अपने कोठियों में होते हैं रात हम इधर रहते हैं
अगर रात को कोई परेशानी आ जाती है इनको पुलिस वालों को, तो हम होते साथ, नहीं तो पूछ लो। ठीक है, जो भी यहाँ से पहले भी आए थे चौकी इंचार्ज, उनको भी पूछ लो कि हम ही साथ देते हैं इनका, तो ये हमें ही डोमिनेट करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पंद्रह भी मिनट लग गए, एसएसपी साहब इतने सदो, एसएसपी साहब इतने सदो, सारी पुलिस आती है, एसएसपी छड़िए सारे आते हैं, सारे आते हैं, सारे इतने एसएसपी साहब सदो, चाहे उठ जाने